तो आज बच्चे बाहर से आए हैं और बच्चों को थोड़ी होम सिकनेस होती है, तो सोचा हॉस्टल में चल के ज़रा बच्चों से बात करें कैसा लग रहा उनको। हॉस्टल वार्डन से भी बात करनी पड़ेगी। क्या हाल चाल? थोड़ा हॉस्टल की वार्डन कहाँ बुला दो, मैम बुलाओ। बस आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए। ये हमारे सामने श्रीधाम हॉस्टल के पास में वार्डन मैम है। मैम देखिए बच्चों कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चा घर छोड़ के आता है ना। और अब हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ के एक टीचर भी आएंगे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे, है ना। तो थोड़ा बच्चों को, हाँ थोड़ा बच्चों, नहीं जब मर्जी नहीं, एक दिन हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सारे हॉस्टल में हमारे यहाँ टीचर विजिट करेंगे। अमन सर इसको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तुम तो पिछली बार भी थे यहीं पे, ये पिछली बार। हमें इसकी चेहरा पता नहीं क्यों जाना पहचाना नहीं, अभी लिया है ना। हाँ हाँ, तो क्लास में लेते हैं, आओ बेटा। और जब बुलाया जाए तो तुरंत आ जाया करिए आप लोग। आई भी थी, आए थे सर, यहीं पे बैठे हुए थे। और कितने लोग हैं? बस इतने लोग हैं अभी, हैं? बुलाओ जल्दी, दौड़ा के मारो, मुक्का नहीं आते तो। पहले ज़रा इन्फॉर्म कर दिया करो। अच्छा बेटा, अब एक बात आपको बताना हमें कि अभी तक तो सिलेक्शन जो थे केवल SRB बैच से ही होते थे, लेकिन इस बार से न्यूलाइट में रेगुलर बैच से भी खूब सिलेक्शन हो रहे हैं। और एक बात याद रखना, इम्तहान के आसपास तो सारा कोई बच्चा पढ़ता है, अभी से जो पढ़ेगा वो बच्चा लीड करेगा, ठीक है ना। अब जैसे तुम किस बैच में हो? M7। अब M1 और M7 का अगर कोर्स कंपेयर करोगे तो M1 बैच में NCERT 2 की फर्स्ट यूनिट हो गई है, हो गई ना, बायो की। और NCERT 1 के भी दो चैप्टर खत्म हो गए। तो बेटा ये गेम है, जो जितना जल्दी दौड़ जाएगा उतना जल्दी जीत जाएगा, है ना। बच्चे तो लेट तक आते रहते हैं, है ना। और ये तो हॉस्टल में सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल बगल में है ना। और अब जो है हम टीचर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे कि वो लोग आएँ और आपकी प्रॉब्लम सुने, है ना। और एक दिन सारे हॉस्टल में हमारे यहाँ के टीचर जाएंगे बच्चों के साथ खाना खाएंगे। तो आप लोग सब छोड़ के आए हो हम लोगों की वजह से, तो बिल्कुल बेटा साथ में हम लोग, है ना। अब और कोई दिक्कत बताओ, कोचिंग में कैसा लग रहा है? क्योंकि थोड़े दिन बाद क्या होता, होम सिकनेस होने लगती है, घर की याद आने लगती है, है ना। और यही सबसे बड़ा ज़िंदगी का गलत फैसला होगा। गेहूं के बोरे में बीज होता है, खेत में डाला जाता है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर पेड़ उसी से बनता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण में एक लक्षण यही है, एक लक्षण सबसे बड़ा, घर छोड़ो। सुना ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी पंच लक्षण, है ना। और पेड़ कभी पेड़ के नीचे बड़ा नहीं होता है, छाया लग जाती है। अगर लाइफ में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ कि हम इतनी रात में क्यों विजिट करते हैं? आइए सर। तो ये सर हैं हॉस्टल के ओनर, है ना। इसलिए क्योंकि बेटा एक हमारा मिशन है, और मिशन है 20,000 बच्चों को डॉक्टर बनाना। बहुत सारे बन गए, कुछ बचे हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तब छोड़ेंगे काम। पार्टिसिपेट करोगे तुम लोग उसमें? टेस्ट दिया था क्या अभी? कोई नहीं, एक टेस्ट जो नीट वाला हुआ था, दिया था? कितना नंबर आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। 575। हाँ नीट वाला, वेरी गुड। अमन सर, हर टेस्ट में हर हॉस्टल के टॉपर बच्चे को एक प्राइज दीजिए, सिस्टम बना लीजिए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, और मुलाकात करते रहेंगे, एकदम परेशान मत होना किसी भी तरह से। कोई मेडिकल की प्रॉब्लम होती है तो कोई, मान लो कभी मेडिकल की प्रॉब्लम होती तो क्या तरीका है? बीमार हो जाते हो, कुछ हो जाता है तो खुद जाते हो कि भैया से बोलते हो? हाँ, अगर कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो,
तो बगल में कुलवंती अस्पताल है, और आप सब लोग अमन भैया का नंबर ले लो, है है है। सर क्या होता है कि हर जगह जहाँ बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्टल में कोचिंग का भी होता है, मेडिकल का भी होता है। नहीं है, कुलवंती का नंबर है, और कुलवंती इतना इजीली रीचेबल है कि इसको महीने में एक बार रात में। अब इसको बात सेवा समझ के काम करिए, सेवा ही होती है। हाँ नहीं तो समझिए, हमें कोई कमी तो है नहीं, इतने दिन से आप लोग जानते हैं। बिना कहे वो तो महीने में एक आध बार सेवा लेनी पड़ती है कुलवंती की, बिना उसके लिए गुजारा नहीं है। किसी ना किसी को 40 बच्चे रहते हैं, किसी ना किसी को प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। अभी कितने बच्चे हो गए यहाँ पे? अभी करीब करीब 20 बच्चे हैं। तो बच्चे आ जाएंगे। और तुम लोगों की प्रॉब्लम, अच्छा क्लास में किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है सब पक्का? और कल आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे यूट्यूब पर, है ना। एक तरफ नीट के क्वेश्चन है और एक तरफ एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी की लाइन के बाहर ज़रा भी नहीं जाना है, है ना। और अभी कुछ दिन बाद हम शाम को क्लास शुरू करेंगे यूट्यूब पर, आप लोग खुद का स्केटिंग करो, ठीक। तो आप अनुदास क्यों भाई, सही है? चलो ऑल दी बेस्ट, हाउ इज जोश? चलो हाँ चलो चलो, कोई चिंता नहीं करना, अमन भैया हैं, सर हैं, कोई दिक्कत हो दिल खोल के बताओ। इन लोगों के रूम में कुछ गर्म करने का तो ऐसा होगा नहीं? नहीं ना, अच्छा। एक काम करो, जो नाश्ता वास्ता मिलता है ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग 2-3 किलो चने खरीद लो, वो अपने आप भिगो लो, थोड़ा प्याज या नींबू काट के खाओ उसको, है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, सब कुछ अच्छा होगा। और जोश के साथ जुटना है कि यहाँ आए तो सेलेक्ट होके जाना है। कहाँ से आए हो तुम? हमीरपुर। देवरिया से बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कौसाम्बी से बहुत हो रहे हैं। हाँ देवरिया, हाँ राजा भैया, हाँ। तो ऑलमोस्ट हर जगह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल अब मेहनत करनी है, जान लगा दो एक साल। और क्या है, हैं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मम्मी की याद आ रही है, आ रही है ना, हाँ। तो बस चली जाओ अभी मम्मी का, हैं क्या? हाँ हमने तो 8th के बाद घर छोड़ दिया था, हैं गजब गजब गजब। 6th में कहाँ चले गए थे? अरे वाह, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं याद आती होगी। हाँ ऐसे ही लोग करते हैं ज़िंदगी में, नहीं भे करके मम्मी याद आ रही है, हैं। M1 में कैसा चल रहा है? अभी तो मर्ज हो गया ना M1 M2। हाँ तू तो M1 बहुत पहले था, हाँ समझ में आ रहा है अब, ठीक है चलो डन बाय बाय। हाँ नहीं हमने सुना कि आपने बोला हाँ लेट होती है, हाँ बहुत से लेट होती है इसमें हमारे बच्चे। ये देखो MS सर आ गए, MS सर की रिपोर्टिंग हो गई, इधर आओ हमारे बच्चे हैं, आ जाओ। नहीं हमारे बच्चे हैं, कौन सी क्लास लेट हुई? हाँ इधर आओ। लेट हुई है मेरी क्लास? बच्चे, मैं तो अच्छा, बच्चे टीचर के सामने नहीं बोलते हैं कि लेट होती है कि नहीं होती है? नहीं सर हम टीचर है ही नहीं। हाँ नहीं सर बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री लेट होती है, और बच्चे ये भी कह रहे हैं केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही इनार की। नहीं नहीं अरे भाई मैंने शाम को ही बुलाया था, बिटिया आई थी, ये भी शाम को आई थी, ये भी शाम को आई थी, पूछिए 6:15 से लेकर 8 बजे तक मैंने इन लोग की प्रॉब्लम्स सॉल्व की है, जो छूटा था वो पूरा किया है। गुड, बेइज्जती ना करवाना भाई। तो तुम अब तो हमको तुमसे जलन होने लगी, हमें भी क्लास देना पड़ेगा सब पहले। बेटा हम लोग पूरी तरह से तन मन धन से डिवोटेड, एकदम चिंता मत करना, और फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है सर से बात हो गई, ठीक। अब जाइए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, सब लोग सुबह स्प्राउट्स खाएंगे, और एक फ्रूट जो सीजन का है ज़रूर खाइए, खीरा ककड़ी जो भी है, नहीं तो ब्लड की कमी होगी, एनीमिया होगी, बीमार हो जाओगे, फिर घर जाना पड़ेगा। कल सब लोग फ्रूट खाओगे बोलो? आजकल क्या मिल रहा है? खरबूजे, हाँ खाओ। आम तो हम खिलाएंगे तुम लोग को, हाँ आम तो वहाँ ही लगा हुआ। तुम लोग हमारा देखा है ना फार्म हाउस? नहीं बच्चे नहीं गए अभी, नहीं देखा है? नहीं। अच्छा सर ने चैनल सर ने सब्सक्राइब किया है? आम खिलाएंगे अच्छे से, ठीक। चलो
अब घर की याद नहीं आनी चाहिए, नीट तक हम लोगों की याद आनी चाहिए पक्का। कि अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक बच्चे को एक टीचर मिलेगा, बैठा के पढ़ाएगा। नहीं, ये नहीं बताया कि एक बच्चे को नहीं समझ आया तो टीचर हटा दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं बोला था, ये बोला था एक वो यूपी बोर्ड वाली बिटिया थी ना जो बोल रही थी, हमने कहा हाँ, तो हमने कहा हम तो हैं ही हैं, हमारे अलावा भी तुमको टीचर मिलेंगे जो तुमको सिंगल वन बाई वन पढ़ाएंगे बेटा। देखा, एक दिन हम लोग साथ में खाना खाएंगे, एक दिन हम लोग साथ में घूमने चलेंगे और सब लोग सीएसए वाली जगह पता कर दो भाई। ठीक, चले सर। आपको लगता होगा इनको तो नींद आती नहीं, हम लोग ठीक है। थैंक यू कपिल भाई, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं फिर दोबारा।